अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देना चाहेंगे आपको थोड़ी सी अपडेट के जो इन दिनों एक मामला चल रहे हैं स्ट्राइक वाले। तो डॉक्टर कुमार विश्वास की टीम की तरफ से हमें एक ईमेल रिसीव हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो स्ट्राइक है वो वापस ले ली जाएगी। तो आप सबका तहे बहुत दिल बहुत से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सब चीजें डेफिनेटली आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुई है। और बाकी इस पर हम लोग प्रॉपर एक वीडियो जरूर बनाएंगे जब स्ट्राइक वापस कंप्लीटली ले ली जाएगी। और अभी बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है ऋषभ पंत एक्सीडेंट इज अ वेकअप कॉल, रोड सेफ्टी एनालिसिस बाय अभी एंड नियो। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग में व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की न्यूज सुनी एंड आई वॉज शॉक्ड। इस एक साल में हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट की ये दूसरी केस थी। कुछ ही महीनों पहले साइरस मिस्त्री का एक रोड एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेट निधन हो गया और अब ऋषभ पंत जैसा स्पोर्ट्समैन बाल बाल बच गया। ये इंसिडेंसेस हमें एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं कि इंडियन रोड्स सेफ क्यों नहीं। लेकिन प्रॉब्लम्स के बारे में तो सब बात करते हैं। आज की इस वीडियो में एक स्टेप आगे जाते हैं और सॉल्यूशंस पर भी बात करते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको हमारी बातों में सेंस लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, आप हमारे वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, दैट्स व्हाई थैंक यू। लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। ये वीडियोस बनाना आसान नहीं है, काफी सारा रिसर्च करना पड़ता है, काफी मेहनत लगती है। तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैप्टर 1, बैड रोड्स इन इंडिया। गूगल पर देखें तो आपको दो टाइप के रिपोर्ट्स मिलेंगे। एक रिपोर्ट ऐसा कहेगा कि भारत के रोड्स दुनिया में सबसे अनसेफ रोड्स हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दूसरा कोई रिपोर्ट कहेगा कि भारत के रोड्स न्यूजीलैंड, इटली जैसे देशों से भी बेहतर। असली सच इन दोनों के बीच कहीं। बाहर के रिपोर्ट्स को कितना सीरियसली लेना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन खुद सरकारी डेटा को एनालाइज करते हैं। देखते हैं कि खुद सरकार एक्सीडेंट्स और बैड रोड्स के बारे में क्या कहती है। भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। इस मामले में हम सिर्फ एक देश से पीछे हैं और वो है अमेरिका। आपने सोचा होगा कि चाइना भारत से आगे होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि चाइना इतना बड़ा देश होने के बावजूद ज्यादातर लोग सिर्फ ईस्ट चाइना में रहते हैं और ज्यादातर डेवलपमेंट भी यहाँ पर ही है। भारत के रोड्स क्वांटिटी में चाइना से कई आगे हैं, लेकिन क्वालिटी में बिल्कुल नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। मोटा मोटा भारत में 6 अलग अलग टाइप के रोड्स हैं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अर्बन रोड्स, रूरल रोड्स और प्रोजेक्ट रोड्स। इन सारे रोड्स का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अलग अलग अथॉरिटीज की होती है। नेशनल हाईवेज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट मैनेज करता है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट रोड्स हर स्टेट के PWD डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं और रूरल रोड्स पंचायत और लोकल अथॉरिटीज मैनेज करते हैं। अक्सर जब हम भारत के अच्छे रोड्स की फोटोज देखते हैं तो वो नेशनल हाईवेज होते हैं और कुछ चुनिंदा स्टेट्स के स्टेट हाईवेज। लेकिन आज भी रूरल रोड्स की संख्या 71% है। छोटे छोटे गाँव कनेक्ट हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतने सारे गाँव, अलग अलग ग्राम पंचायत और वहाँ पर होने वाला करप्शन रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चैप्टर 2, भारत में एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। रोड एक्सीडेंट्स मेनली 3 वजहों से होते हैं, ह्यूमन एरर, रोड कंडीशन और एनवायरनमेंट, व्हीक्युलर कंडीशन। आज की घड़ी में 10 में से 7 एक्सीडेंट सिर्फ एक वजह से होते हैं, ओवर स्पीडिंग, दारू पीकर गाड़ी चलाना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, फुटपाथ पर गाड़ी चलाना, ये सारी बातें भारत के लिए नहीं है। दूसरा पॉइंट है रोड कंडीशन। अक्सर भारत के पॉलिटिशियंस भारत की वेदर को बुरे रोड्स के लिए ब्लेम करते हैं, लेकिन सिंगापुर, वियतनाम का वेदर भारत से भी खराब है। वहाँ 12 महीने बारिश होती है, वहाँ के रोड्स ऐसे दिखते हैं और हमारे ऐसे। ऐसा क्यों? प्रॉब्लम वेदर नहीं, भारत के पॉलिटिशियंस है। पंचायत सीरीज देखिए। भारत में करप्शन का क्या हाल है ये समझने के लिए आपको किसी भी गांव जाने की जरूरत नहीं है, ये सीरीज देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। होता यह है कि सालों की कोशिश के बाद एक रोड बनाने का टेंडर निकलता है और ये टेंडर मिलेगा किसे? जो पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा रिश्वत देगा उसे। एक रोड बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट हो तो हर ऑफिसर को पैसे खिला खिला कर बचते हैं 25 लाख रुपए। उस बचे कुछ पैसों में से कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट काट लेता है और जिस रोड की वैल्यू 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी वो पहले दिन पर ही 1/5 हो जाती है। डिलेस, फिर जल्दबाजी में काम और नेग्लिजेंस भारत को भारी पड़ रहा है। करप्शन लोगों की जान ले सकता है, हमने मोरबी ब्रिज इंसिडेंट में ये देख लिया है। आज एक पंखे की भी 3 साल की वारंटी मिल जाती है, लेकिन एक रोड की 3 महीने की भी नहीं। वेस्टर्न देश कॉन्क्रीट के रास्ते बनाते हैं जो 40 सालों तक अच्छे रहते हैं लेकिन महंगे होते हैं, और हम बिटुमिन यानी डैम्बर के रोड बनाते हैं जो मैक्सिमम 10 साल तक टिकते हैं और बार बार होने वाली खुदाई की वजह से अक्सर 5 साल में ही खराब हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है व्हीकल कंडीशन। एक गाड़ी खरीदते समय
माइलेज, टॉप स्पीड, ब्रांड्स और तो और कलर भी कंसिडर होता है, लेकिन सेफ्टी रेटिंग कंसिडर नहीं होती। एक गाड़ी कितनी सेफ है ये डिटरमाइन करने के लिए ऐसी क्रैश टेस्ट होती है। कई इंडियन गाड़ियां जैसे टाटा और महिंद्रा ऐसी टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग्स अचीव भी करती हैं। लेकिन भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और हम अल्टीमेटली और जैसी गाड़ियां खरीदते हैं क्योंकि वो 50,000 सस्ती होती हैं। एक्सीडेंट किसी भी वजह से हो इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर होता है। सरकार मानती है कि एक्सीडेंट्स की वजह से पूरे देश को होने वाला नुकसान हमारे जीडीपी का 2-3% है। जरा सोचिए उतना तो हमारा एजुकेशन बजट होता है। अगर हम एक्सीडेंट्स का नंबर कम कर पाए तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर होगा। चैप्टर 3 सॉल्यूशंस। रास्तों के खड्डों के बारे में, करप्शन के बारे में हम 2 घंटे भी बात करेंगे तो कम होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स बार बार दोहराने से क्या फर्क पड़ता है? चलिए सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। नंबर 1, रोड डिपेंडेंसी कम करनी ही होगी। भारत का 65% माल बाय रोड ट्रांसपोर्ट होता है और ट्रक और टेम्पो ड्राइवर्स रात को कैसे चलाते हैं ये हम सबको पता है। एट द सेम टाइम टोटल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में से 90% बाय रोड होता है। प्लेन्स, ट्रेन्स, बोट्स होने के बावजूद हम रास्तों पर बहुत ज्यादा निर्भर। देखिए, रोड्स का नंबर बढ़ सकता है लेकिन बढ़ते हुए पॉपुलेशन की वजह से हमें हमेशा एक कैचअप गेम खेलना पड़ता है। हम सॉल्यूशन आने वाले 20-25 सालों के लिए सोचते हैं लेकिन रास्ते का काम खत्म होते होते इतना टाइम गुजर जाता है कि हम पीछे छूट जाते हैं। साल 2000 से देश में टोटल रोड्स का नंबर 39% से बढ़ा है लेकिन रास्ते पर होने वाली गाड़ियां 159%, यानी 2.5 गुना हो गई हैं। भारत में नदियों का एक बढ़िया नेटवर्क है और नितिन गडकरी जी भारत में एक वाटरवे सिस्टम डेवलप करने की बात कर रहे हैं और गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंडर ये होने वाला है। अगर हम नदियों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए कर पाए तो रोड डिपेंडेंसी कम हो सकती है। नंबर 2, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। जब किसी भी रास्ते पर 500 मीटर के एक एरिया में साल में 5-10 सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसे ब्लैक स्पॉट या फिर एक्सीडेंट प्रोन एरिया डिक्लेयर किया जाता है। रोड एक्सीडेंट्स का और इन ब्लैक स्पॉट्स का डायरेक्ट कनेक्शन है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पर एक्सीडेंट्स कम किए जा सकते हैं और ये पॉसिबल भी है। तमिलनाडु का एग्जाम्पल लेते हैं। 2014 से पहले हर साल स्टेट में 15,000 लोग एक्सीडेंट से मरते थे और 2019 में ये नंबर घटकर 10,000 हो गया। सरकार ने ये कैसे किया? एक क्रैश डेटाबेस सिस्टम बनाया, फोकस क्विक मेडिकल रिस्पॉन्स पर किया ताकि एक्सीडेंट होने के बाद कम से कम समय में मेडिकल हेल्प विक्टिम्स तक पहुंचे। डेवलपमेंट ऐसे ही होती है। आज सोच लिया और कल से सारे रास्ते फटाक से चकाचक हो गए, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमें स्टेप बाय स्टेप ही सुधार लाने होंगे। नंबर 3, सिविक सेंस लाना होगा। भारत में ट्रैफिक सिग्नल, जीब्रा क्रॉसिंग, सीट बेल्ट, हेलमेट, ये सारी बातें ऑप्शनल होती है। ग्रीन का मतलब जाओ, येलो का मतलब स्पीड से जाओ और रेड का मतलब ट्रैफिक हवालदार या नहीं देखो और फिर जाओ। 2016 में एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला कि 10 में से 6 लोग बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं और जब लाइसेंस मिलता भी है तो कैसे मिलता है? बिना किसी प्रॉपर टेस्ट के। जस्ट ड्राइविंग स्कूल में जाओ, 500 रुपए गुरु दक्षिणा दो और ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में। हम इंडियंस अमेजिंग होते हैं। हमने हमारी ही सेफ्टी के लिए बनाए हुए रूल्स हम खुद तोड़ते हैं। बेहतर सिविक सेंस लाना होगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लोग रूल्स तोड़ते हैं उन्हें हार्शली पनिश करना होगा और ये डिजिटाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो सकता है। पहले रूल तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस एक फिजिकल चलान बनाते थे, अब ई चलान आ गए तो कैश में होने वाली रिश्वतखोरी एटलीस्ट कुछ हद तक कम हो गई। 2019 में MVAA एक्ट के अंडर रूल्स तोड़ने पर फाइंस बढ़ाए गए थे लेकिन होना क्या था, प्रोटेस्ट हुए और फिर फाइंस कई स्टेट्स ने कम कर दी। चैप्टर 4, रोल ऑफ मीडिया। इस वीडियो के थ्रू मुझे एक बात जरूर कहनी है कि ऋषभ पंत के इस एक्सीडेंट वाले किस्से में मीडिया काफी इररिस्पॉन्सिबली पेश आई है। इन्फॉर्म करना एक बात होती है बट सिर्फ ऋषभ पंत का नाम लेकर ऐसे क्लिकबेट हेडलाइंस प्रिंट करना हमें बंद करना होगा। अगर कुछ करना है तो असली सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करना होगा, नहीं तो देश आगे ही नहीं बढ़ेगा। जब भी ऋषभ पंत या साइरस मिस्त्री जैसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं तब हम हड़बड़ाकर जाग जाते हैं और उस मोमेंट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन अक्सर ये सॉल्यूशंस बैंडेड की तरह होते हैं। अब गाड़ियों में पैसेंजर सीट्स में सीट बेल्ट कंपलसरी हो गए लेकिन ऐसे कितने कैब्स हैं जहां पे ये सीट बेल्ट्स चलते ही नहीं है? कितने ऐसे कैब्स हैं जहां सीट बेल्ट्स तो मानो होते ही नहीं है? और ऑटो रिक्शास की तो बात ही छोड़िए। हेलमेट पहनने का रूल हमारी खुद की सेफ्टी के लिए, इससे सरकार का क्या ही फायदा होने वाला है? लेकिन फिर भी हम हेलमेट सर पर नहीं ऐसे कोहनी में पहनते हैं। रोड सेफ्टी के बारे में जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक पॉलिसी में चेंजेस नहीं आएंगे। जब तक ये इलेक्शन इश्यूज नहीं बनेंगे तब तक पॉलिटिशियंस इन पर फोकस नहीं करेंगे। चैप्टर 5, कंक्लूजन। ये वीडियो देखने के बाद मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको ऐसा लगे कि भारत में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, इसीलिए इस वीडियो के एंड में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बारे में बात करना भी इम्पोर्टेंट है। हमारी मिनिस्ट्री ने पिछले साल हर दिन 37 किलोमीटर के हाईवेज बनाए
लॉकडाउन के समय इन टोटल 13,000 किलोमीटर्स के हाईवेज हम बना पाए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जहां बाकी मिनिस्टर सिर्फ क्रेडिट लेते हैं, हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्राउड से भरे मैदान में सब स्टैंडर्ड काम के लिए माफी मांगते हैं। ये करप्ट ऑफिसर्स इंजीनियर्स को एक अच्छी वार्निंग देता है, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है। हो सकता है कि फ्यूचर में उन्हें भी लगने लगे कि हमारे लीडर्स अगर अकाउंटेबिलिटी रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं। भारत को बदलना ही होगा। हमारे वीडियोस के थ्रू हम ऐसे ही सॉल्यूशंस डिस्कस करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म के थ्रू भारत को 1% बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आप हमारी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देश को अगर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ना है तो देश को गड्ढे भरने ही होंगे, प्रॉब्लम सुलझाने होंगे और उन पर बात करनी होगी, सिर्फ किसी हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट के बाद नहीं, हर दिन, हर रोज। और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। भारत के और कौन से प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बात करनी चाहिए, हमें कमेंट्स में बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इशू है जो भारत को अंदर से खा रहा है, उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डॉलर के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। भाई, जब सड़कों की बात आती है तो इस चीज़ में तो कोई शक नहीं कि हम जब हाईवेज़ की बात करते हैं तो वो तो हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हम गली मोहल्लों की या जो ऐसी सड़कें होती हैं जो जहां पे मैं कहता हूं कि भाई ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, वहां पे आपको कोई शक नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो देखने को मिलती है। और लिटरली मेन रोड्स पर जो है ना खड्डे होना और इस तरह के खड्डे के जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं वो यहाँ पर आपको बहुत नॉर्मली देखने को मिलते हैं। स्पेशली मैं कहूँगी कि जो मटेरियल है वो इतना लो मटेरियल यूज़ किया जाता है कि वो वाकई में बारिशें होने पर या मतलब एक साल के अंदर अंदर आपको इतना वो टूटी फूटी हुई सड़क वो फिर दोबारा से नजर आती है। बट कहीं ना कहीं पर मैं लोगों को भी बहुत रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ कि मैंने देखा है कि लोग भी इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि अगर एक मरबा चलो लो मटेरियल की भी अगर रोड या आपकी गली वगैरह बन गई है ना तो उसको फिर उसी तरीके से मेंटेन रहने दें। उसके बाद हर किसी को याद आ रहा था कि हमें ये वाला काम करवाना है तो उसके लिए कोई ना कोई खड्डा मार दो और ये काम करवाना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर लोगों को अवेयर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर लोग अच्छे से अवेयर होंगे ना तो लीडर्स भी जो है वो अच्छे से काम करेंगे, उनके ऊपर भी एक चेक होगा कि हाँ अगर हमने काम नहीं किया तो लोग हमारे पीछे पड़ेंगे, हमसे क्वेश्चन करेंगे। यार मेरा ख्याल है कि जो लोग है ना उन्हें पता नहीं क्या एक अजीब सी चीज होती है कि हालांकि पता भी होता नहीं भाई सड़क बन रही है या बननी है, हमारा जो काम करने वाला है हम करवा रहे हैं, लेकिन बाद में याद आते हैं। लेकिन उसके बाद जो है डिपार्टमेंट्स की भी बात करें डिफरेंट डिफरेंट जो है उन्हें भी याद आते हैं, ओहो हमने तो भाई इधर वायर डालना था, हमने तो इधर पाइप डालना था, तो वो भी जो है ये चीजें होती है बहुत ज्यादा चीजों को जो है वो डिस्टर्ब करती है। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ इंजीनियर जो रोड बनाने वाले होते हैं समटाइम्स वाकई दिल करता है बंदा उनके हाथ जो है चूम ले, क्योंकि मैंने बड़ी देर पहले एक रोड देखा था भाई वो जो है ना कुछ इस तरह का था, यानी कि वैसे तो पूरा पैच से ही बना हुआ था लेकिन एक पॉइंट पे आकर इस तरह था कि बारिश होती थी पानी बजाय साइडों पे यानी कि वो सड़क के बीच में आके जमा हो जाता था। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं किस लिए मौसम कह रहा है इतना नहीं, यानी कि आप ये देखें कि इतना आप इतने लंबे अरसे से आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं काम कर रहे हैं तो आपको काम करने का पता होना चाहिए कि भाई पानी अगर रोड के ऊपर खड़ा होता है तो उसे किस निकालना है, क्योंकि अगर रोड के ऊपर पानी जमा हो तो वो भी जो है रोड के खराब होने का बहुत बड़ा एक वो रीजन बनता है। लेकिन ये देखो ना वीडियो में ये भी बताया गया ना कि टेंडर उन लोगों को ही मिलते हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली जो काम करने वाला होगा वो उतना ही अच्छा होगा जितना मतलब वो अच्छी रिश्वत दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साथ साथ में जैसे ओवर स्पीड की बात की गई, फिर हेलमेट की अगर हम लोग बात करें या फिर हम लोग सिग्नल्स की बात करें, तो मतलब मैं यहाँ पर बाइक वालों की स्पेशली बात करूंगी, यहाँ पर तो मैंने देखा है कि बाइक वाले बिल्कुल नहीं देखते अगर किसी और साइड का मतलब सिग्नल जो है वो अगर स्टार्ट हुआ है तो जल्दी से निकल जाएंगे और आपको नहीं पता कि किसी के साथ आपकी टक्कर भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर मर्तबा आप किसी को चकमा दे सको, तो मैंने ये देखा कि ये चीजें भी बड़ी प्रॉब्लम करती हैं लोगों को, इन चीजों में भी ख्याल रखना चाहिए। इससे मुझे एक बात याद आई कि मेरे एक दोस्त के पास में बैठा होता तो उसके जो है ये बात कर रहे थे, कहता कि मेरे साथ तो इस तरह यानी कि वो कभी उन्होंने ये नहीं लेके थे, मेरा दिल करता है कि अगर कोई सिग्नल तोड़ के आ रहा है मेरा सिग्नल खुला हुआ है ना तो मैं मार दूं,
कि ताकि वो कहते मेरी गाड़ी तो खराब होगी होगी लेकिन उसे पूरी जिंदगी की सीख मिलेगी कि भाई सिग्नल नहीं तोड़ना। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन है एक्सीडेंट होने का कि भाई लोगों से इंतजार नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता कि भाई हम 2 मिनट का इशारा 3 मिनट का इशारा खड़े हो जाए, भागने की करते हैं कि पता नहीं जाके अगर 1 मिनट पहले आगे चले जाएंगे तो क्या अचीव कर लेंगे। फिक्र करने की बात ये है कि मतलब अगर हम लोग इंडिपेंडेंस डे के बाद की अभी तक की बात कर रहे हैं तो इतने सालों में हम लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही और ना ही रियलाइज हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बीच में जिस तरीके से एग्जांपल्स भी दी गई और ऐसे कंट्रीज जहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है और बार बार लगाने से तो बेहतर है ना कि आप जो है एक बार में लगाएं, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर एक बार में लगाएंगे तो बार बार करप्शन करने की सहूलत जो है वो नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो करप्शन वाला एक सिस्टम स्पेशली बैठा हुआ है ना, इसको किसी तरीके से खत्म होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी करप्शन बाकी कंट्रीज में नहीं होती, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर नहीं होती, डेफिनेटली होती है वहां पर भी, लेकिन एटलीस्ट वो ऐसा काम भी करते हैं जो कि उनके लोगों की सेफ्टी के लिए भी होता यार है। इससे रिलेटेड जो है ना, अभी जैसे पंचायत वेब सीरीज का तो मैंने सीजन 1 देखा है, सीजन 2 नहीं मैंने अभी तक देखा, लेकिन एक मूवी है थी खट्टा मीठा अक्षय कुमार सर की, अगर आपको याद है, कॉन्ट्रैक्टर बने होते हैं, तो अगर देखा जाए तो उसमें भी सारी यही चीज डिस्कस की गई है कि ऊपर से एक प्रोजेक्ट जब आता है तो नीचे तक पहुंचता जो है उसकी अमाउंट इतनी कम हो जाती है कि बामुश्किल जो है बस वो रोड की कह लें कि एक लेयर ही बिछाई होती है और कुछ नहीं होता। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह पर ना हर किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और अगर हर कोई अपना काम अच्छे तरीके से करना शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। समटाइम्स मैंने लोगों को देखा है कि वो गाड़ियां ओवरटेक भी इस तरीके से करते हैं, हालांकि करनी बनती नहीं, कुछ स्पीड इस तरीके से और बाइक्स वाले भी ऐसे गुजरते हैं, समटाइम्स आप डर जाते हो कि मतलब इनको क्या मसला क्या है। तो बहुत सारे रीजंस मुझे लगता है कि होते हैं जिनकी वजह से आपको इतने ज्यादा हादसा देखने। यार देखें हादसा से जो है बहुत सारे, यानी कि सबसे पहले तो आपकी जीडीपी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर देखें तो कुछ सबसे पहले आपके पास एम्बुलेंस आएगी, आपको हॉस्पिटल लेके जाएगी, तो काफी ज्यादा एक्सपेंस होता है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को जो है ना जरा थोड़ा सा केयर करना चाहिए, उसके अलावा जो है घर वालों को भी, खास तौर पर अगर उन्हें कोई कंप्लेन करता है कि अगर आपका बच्चा जो है वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है, बाइक से ही नहीं चला रहा, गाड़ी से ही नहीं चला रहा, बजाय इसके कि भाई लड़ने के, उन्हें अपने बच्चे को जो है वो समझाना चाहिए कि भाई जिंदगी बहुत कीमती है, गाड़ी आराम से उसे चलाया करो। फिर उसके बाद इसमें भी कोई शक नहीं कि गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपकी गाड़ी जो है वो कितनी सेफ्टी के लिहाज से कितनी अच्छी है। क्योंकि अगर बात करें तो बीच में पाकिस्तान जैसे गाड़ियों के जरिए पाकिस्तान भी जितनी गाड़ी की कंपनीज हैं वो तो मैं कहता हूँ इस तरह की हल्की सी भी टच हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना खौफनाक हादसा हो गया। मैंने ये भी सुना था एयरबैग्स का भी इशू होता है, एयरबैग्स का भी होता है। हाँ एनीवे गाइस ओवरऑल मैं तो यही बोलूंगी कि एज एन इंडिविजुअल हमें अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने, क्योंकि हम लोग खुद ही नहीं मुझे लगता है कि वो चीजें जो है वो पूरी कर रहे होते जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले खुद में चेंज लाने की जरूरत है, फिर ऑटोमेटिकली लोगों में भी शायद कहीं ना कहीं पर चेंज आ रही है। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे, मैं जो आज के टाइम में लोगों को देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि आप किसी को अगर बताते भी हो ना तो बड़ा मुश्किल होता है किसी को कन्विंस करना, क्योंकि आजकल लोगों में एक बहुत प्रॉब्लम यही है कि उनको ये लगता है हमें सब कुछ पता है, हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को। बट फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहना चाहिए। सो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ हमें जल्द हमारे वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।